चलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। तो अभी यहाँ पर ही सांप निकल गए। कौन सा गाँव? मासड़। हमारे नेरी से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है ये गाँव है मासड़। यहाँ पर ही अभी सांप निकल गया। तो ये खेत है, यहाँ पर ये खोपड़ी में सांप निकला था। हम थोड़ा आने में लेट हो गए, ये चलते चलते आके घुस गया। तो ये सांप हमेशा अक्सर है, दिखाई देता है। अभी इसे निकालने की कोशिश करेंगे पाइप के जरिए पानी डाल के। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, खतरा हो भी सकता है, हो सकता है दोस्तों। तो सांप जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर निकल चुका है। थोड़ा मार के एकदम एकदम जोड़े तो दोस्तों, ये किसान का खेत है। यहाँ पर ये काम करते समय ये दिख गया इन्हें। तो इतना बड़ा सांप किसान के झोपड़ी में दिखना यानी खतरे की घंटी है। तो इन्होंने हमें कॉल किया, हम पहुँच गए मौके पर और इसे सही सलामत अभी रेस्क्यू कर लिया गया। तो दोस्तों, ये थोड़ा कलर में अलग ही दिख रहा है, दूधिया कलर का है, थोड़ा पीला है। तो इसे हमारे इधर गवारा नाग बोलते हैं दोस्तों। वैसे तो ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, इंग्लिश में इसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा नाम से बुलाया जाता है। हिंदी में नाग, मराठी में नाग, कई कई गेवन, कई कई फिडार, और बहुत तेजी से पलटता है करके इसे कई कई पलटू भी बोला जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम दोस्तों नाजा नाजा। वो वजन उस ना सामान तूले का का तो इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है दोस्तों। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है, जिसके बाइट होने के बाद अपने पास सिर्फ 40 से 50 मिनट का ही समय होता है। तो ऐसे में आप कोई झाड़फूक के चक्कर में ना गिरिए, सीधे सरकारी दवाखाना जाइए और अपना सही से इलाज करवाइए। कोई झाड़फूक का चक्कर अपने जान नहीं बचा सकता। सकते हैं दोस्तों, काफी बिग साइज का स्पेक्टिकल कोबरा है ये। तो ठीक है दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए इसे हम कपड़े के बैग में सही सलामत पैक करेंगे और बाद में इसे इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। तो काफ़ी बिग साइज का कोबरा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। यहाँ के किसान लोग इसे देख कर डर गए थे। और ये सांप अक्सर निकलते रहता है यहाँ आजू यहाँ बाजू में रिसोर्ट भी है, रिसोर्ट में भी ये निकला था, लेकिन हम मौके पे समय पे ना पहुँच कर ये निकल गया था उस दिन। तो ठीक है, अभी इसे कपड़े के बैग में हम सुरक्षित पैक करेंगे और बाद में इसे इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसे हमने कपड़े के बैग में अभी सुरक्षित पैक कर लिया, बाद में इसके इसे अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो
तो वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो में नए दोस्तों देख सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर ऐसे कोई अगले वीडियो में, कोई बेजुबान की जान बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र दोस्तों, धन्यवाद।